दीपा और अनीता दोनों ही देवरानी और जेठानी थी। दीपा नौकरी करती थी और अनीता घर संभालती थी। उनका परिवार बहुत बड़ा था। सास ससुर और उन दोनों के बच्चे कुल मिलाकर घर में 10 लोग थे। और आज कई सालों बाद उनकी बुआ सास अपने भाई के पास रहने आई थी। सुबह उठते ही बुआ जी ने देखा दीपा जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रही थी। अनीता ने सबका नाश्ता बना दिया, जिस नाश्ते को दीपा ने सबको परोस दिया। इसके बाद दीपा ने खुद अपना टिफिन पैक किया और जॉब पर चली गई। अनीता ने फिर दोपहर का खाना बनाया और थोड़ी देर बाद बैठ गई अपनी सास और बुआ सास के पास। बुआ सास से रहा नहीं गया और अनीता से बोली कि छोटी बहू, तेरी जेठानी दीपा तुझ पर तो बड़ा हुकुम चलाती है। सुबह से देख रही हूँ रसोई घर में तू ही लगी हुई है। और वो महारानी दिखावा करने के लिए सबको नाश्ता परोस रही थी, जैसे उसी ने बनाया हो। ये सुनते ही अनीता ने अपनी बुआ सास की तरफ देखा और बड़ी ही प्यार से कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बुआ जी, दीपा बहुत ही अच्छी है। बुआ बोली, तो बहुत भोली है अनीता, पर मैं सब समझती हूँ, इतनी बुढ़ी मैं ऐसे ही नहीं हुई। अनीता से अब रहा नहीं गया और वो बोली कि बुआ जी, आपको दीपा दीदी की बाकी सबको नाश्ता परोसना दिखा, मगर आपको ये नहीं पता कि उन्होंने मुझे डांट कर सबसे पहले नाश्ता करवाया, फिर चाय पिलाई, और वो रोज ही मुझे सबसे पहले ही नाश्ता करवा देती है, वरना सबका नाश्ता बनाते तो मैं नाश्ता ही नहीं कर पाऊँ, वो मेरा कितना ख्याल रखती है। दीदी सुबह जल्दी उठकर मंदिर की सफाई करके फूल सजाकर रखती है और वो मुझे खुद से 1 घंटा लेट उठने को कहती है, क्योंकि मुझे उठते ही नहाकर सीधा रसोई में ही जाना पड़ता है। शाम को ऑफिस से आते वक्त दीदी बाजार से सब्जियां भी लेकर आती है, क्योंकि हमारे हस्बैंड रात को लेट हो जाते हैं और दीपा दीदी ने सासू माँ को बाजार जाने के लिए मना किया है, क्योंकि माँ जी अब 60 से ऊपर की हो चुकी हैं, कहीं बाजार जाते समय उन्हें तकलीफ ना हो जाए। वैसे भी उन्हें घुटनों की परेशानी है और जब माँ जी को घूमने का मन होता है तो दीपा दीदी छुट्टी करके खुद उनको घुमाने लेकर जाती हैं। और हाँ बुआ जी, दीपा दीदी रोज़ शाम को आकर खाना बनाने में मेरी खूब मदद करती है, चाहे वो कितनी भी थकी क्यों ना हो। वो मेरी जेठानी जरूर है, मगर वो मुझे अपनी छोटी बहन ही मानती है और मैं उन्हें बड़ी बहन मानती हूँ। ये सब सुनते ही बुआ चुप हो गई, शायद उसकी चुगली अनीता के आगे फेल हो चुकी थी। शाम को दीपा सब्जी की थैली अनीता को पकड़ाते हुए बोली कि अनीता, सब्जियों के साथ वाले थैली में तुम्हारी फेवरेट लेखक की किताब भी लाई हूँ। ये सुनकर अनीता खुश हो गई और बोली, थैंक्स दीदी। अनीता सब्जी की थैली किचन में रखी और किताब रखने अपने कमरे में चली गई। तभी बुआ जी ने दीपा को आवाज़ दी, बड़ी बहू जरा यहाँ आना। दीपा बोली, जी बुआ जी। तभी बुआ बोली कि तुम इतनी मेहनत करके कमाती हो और ऐसे ही फालतू किताबें खरीद कर पैसों की बर्बादी कर रही हो, वो भी अपनी देवरानी के लिए। वो तो वैसे भी घर में करती ही क्या है, तुम दिन भर मेहनत करती हो और वो घर पर आराम करती है। इस बात पर दीपा मुस्कुराई और बोली, क्या बुआ जी, आराम और अनीता, उसे तो कह कह कर आराम करवाना पड़ता है, सुबह से बेचारी लगी ही रहती है। किचन में सबकी अलग अलग पसंद, मेरे और उसके मिलाकर 4 बच्चे का टिफिन सब वही तो करती है, फिर भी उसके चेहरे पे हमेशा एक सुंदर सी मुस्कान ही रहती है। सुबह की चाय पीने का भी समय नहीं रहता उसे, और जब दोपहर बच्चे आते हैं फिर उनका खाना, उनकी पढ़ाई सब वही तो देखती है। वो है इसलिए मुझे बच्चों की चिंता भी नहीं रहती और मैं अपना पूरा ध्यान ऑफिस में लगा पाती हूँ। कुछ दिनों पहले ही प्रमोशन मिला है, मम्मी पापा की दवाइयाँ कब ख़त्म हुई और कब लाना है, ये सब वही ध्यान रखती है। घर पर भी कभी कौन सा रिश्तेदार आता है उनकी सेवा भी वही करती है। और बुआ जी, घर पर रहकर घर और बच्चे संभालना कोई छोटी बात नहीं है, मेहमानों को भी आओ भगत अनीता बिना किसी शिकायत के करती है, उसे तो बस पढ़ने का ही शौक है, फिर क्या मैं अपनी छोटी बहन की छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं करूंगी। अगर उसकी इच्छा मैं पूरी नहीं करूंगी तो कौन करेगा। अब तो बुआ की पूरी तरह से ही बोलती बंद हो चुकी थी। फिर दीपा भी अपने कमरे में
चली गई। ये सारी बातें दीपा की सास पीछे खड़ी हुई सुन रही थी। वो बुआ के पास आकर बोली कि जीजी, ये दोनों देवरानी जेठानी जरूर है, मगर इनका प्रेम दो सगी बहनों से भी ज़्यादा बढ़कर है। ये दोनों ही एक दूसरे का अधूरापन पूरा करती है। मेरे घर की मजबूती नींव है ये दोनों। पहले मैं भी एक बुरी सास थी और हमेशा ही मैं इनको लड़ाने की ही सोचती थी, लेकिन इनके प्रेम के आगे मैं भी पिघल गई। और वैसे भी इनको लड़वा कर नुकसान तो हमारे ही घर का ही है ना, इसीलिए मैं भी इनके ही प्रेम में मिल चुकी हूँ। लेकिन ये बात दीपा और अनीता की बुआ सास को समझ नहीं आई और वो मुंह घुमाकर अपने कमरे में चली गई, क्योंकि वो तो इनको लड़वाने आई थी, लेकिन दीपा और अनीता जैसी बहुओं के बीच दरार पैदा करना बिल्कुल नामुमकिन था। और दोस्तों, अगर दीपा अनीता जैसी बहू बेटी हर घर में हो तो उनके प्यारे घर को बड़ी सी बड़ी ताकत भी नरक नहीं बना सकती। वाकई में ऐसी बहुएं हर घर में हो तो हर घर एक स्वर्ग बन जाता है। आप इस कहानी के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाइए। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में एक नए अध्याय के साथ।